आप देखिए कि लिबास दो तरह का होता है ना और दोनों का जिक्र यहां आया है एक वो लिबास जो हमारा जाहरी लिबास होता है ये हमारे जिसम के ऐब वाले हिस्सों को छुपाता है और एक हमारा बातनी लिबास है और वो है लिबास तकवा वो हमारे लिए हमारे जो अंदर की खामियां और कमजोरियां हैं उनको छुपाता है यानी तकवा जो है वो इंसान के दिल के अंदर पाई जाने वाली खराबियों का इलाज है जाहरी लिबास जिसम का हुसन है बातनी लिबास लिबास तकवा दिल और रूह का हुसन है जाहरी लिबास महदूद मुद्दत तक हमें खूबसूरती बख्शता है लेकिन बातनी लिबास तकवा का लिबास हमें हमेशा के लिए खूबसूरत बना देता है अब हम सोचें कि हम जाहरी लिबास के लिए कितना कुछ खर्च करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और बानी लिबास तकवा के लिए क्या कोशिशें करते हैं हम सबको सिर्फ जाहरी लिबास पर ही नहीं जाना चाहिए बल्कि तकवा के लिबास की फिक्र करनी चाहिए अपने दिलों को तकवा से मुजयन करना चाहिए अल्लाह का डर अल्लाह की मोहब्बत गुनाहों से नफरत फिर फरमाया उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए खास मुद्दत तक जमीन ही में जाय करार और सामान जीस्त है और फरमाया वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है और इसी में से तुम आखिरकार निकाले जाओगे ए औलाद आदम हमने तुम पर लिबास नाजिल किया क्यों युवारी री आतिकुम ताकि तुम्हारे जिसम के काबले शर्म हिस्सों को ढांके ये है लिबास का मकसद लेकिन अगर कोई लिबास पहन के भी नंगा रहे तो वो लिबास का मकसद पूरा नहीं कर रहा जो अल्लाह सुबहान तला ने अपनी इस किताब में बता दिया मर्दों के लिए भी अपने काबिल शर्म हिस्सों को छुपाना लाजिम है लेकिन औरतों के लिए सतर वाला लिबास नहायत जरूरी है सही मुस्लिम की रिवायत है रसुल्ला ने फरमाया जहनमियों की दो किस्में हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखी यानी आपके जमाने में नहीं थे ऐसे लोग एक वो जिनके पास बैल के दो जैसे कोड़े होंगे जिससे वो लोगों को मारेंगे दूसरे वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी हो माइल होने वाली दूसरों को अपनी तरफ माइल करने वाली उनके सर बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह है हम पे सर ऊंचे किए यानी एक तो सर है सर के ऊपर एक और कुछ लगा के बाल ऊंचे किए हुए हैं क्योंकि उससे इंसान बहुत नुमाया हो जाता है ना तो औरत के लिए अपने आप को नुमाया करना जो है तबर्रुज जिसको कहते हैं वो नापसंदीदा है फरमाया ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल ना होंगी न उसकी खुशबू पाएंगी हालांकि उसकी खुशबू इस, इस तरह के लंबे फासले से आती है तो हम सब खातिन को अपने लिबास का जायजा लेने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इतना टाइट है कि हम पहन के नंगे हो रहे हैं सारे फिगर्स एक एक करके नमाया हो रहे हैं। या फिर वो लिबास इस तरह का है कि उसे पहन के मसला नहीं है कि गले का कट इतना बड़ा है कि जो छुपाने वाला हिस्सा वो ज़ाहिर हो रहा है ये इतना बारीक है कि उसमें से सब कुछ झलक रहा है या इतने टाइट पजामे हैं कि उससे सारी लेग्स की शेप नजर आ रही है इन सब चीजों को हमें चेक करने की जरूरत है कि हम कितने दिन है दुनिया में आखिर वापसी का लिबास तो सफेद लट्ठे का ही है ना कफन आखिर में तो वही पहनना है और क्यामत के दिन तो सभी नंगे उठेंगे किसी को किसी की तरफ देखने की होश नहीं होगी और वहां जो चीज काम आएगी वो तकवा का लिबास है तो लिबास की दो गर्ज यहां बताई गई हैं कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत और जीनत का जरिया भी हो और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है शायद के लोग इससे सबक लें लिबास अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी, निशानी